Hey guys, good evening, राम राम सर सभी को, कैसे हो दोस्तों आप? तो गाइस आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ डोमिनोज के पिज्ज़ा को पिज़्ज़ा हट के पिज्ज़ा से, और प्राइस का कंपेयर भी रहेगा। सबसे मेरा जो मेन टॉपिक है वो है कि मैं मिनिमम जो सबसे सस्ता पिज़्ज़ा आता है कितने रुपए का आता है वो लूँगा दोनों से, और दोनों को फिर खा के कंपेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास हैं दो पिज़्ज़ा, एक डोमिनोज से लिया है और एक पिज़्ज़ा हट से लिया है। आपको बता दूँ ये 1958 में ओपन हुआ था और ये हुआ था 1960 में, दोनों ही अमेरिका के ब्रांड है। तो ये इंडिया में आया था 1996 में और ये भी 1996 में, बेंगलोर में दोनों की ओपनिंग हुई थी। तो आज मैं इन दोनों को कंपेयर करने वाला हूँ। पिज़्ज़ा हट का जो मुझे पिज़्ज़ा पड़ा है इसको ओपन कर ले। तो गाइज ये है पिज़्ज़ा हट का ऑनियन पिज़्ज़ा, जो मिनिमम सबसे जो सस्ता पिज़्ज़ा आता है वो यही आता है, और ये मुझे पड़ा था 83 रुपीज़ का। उसके बाद डोमिनोज की अगर बात करें, डोमिनोज का जो मिनिमम पिज़्ज़ा आता है वो टोमाटो वाला आता है, और ये मुझे पड़ा था 62 रुपीज़ का। तो इन दोनों को मैं कंपेयर करने वाला हूँ। मैंने सबसे लोएस्ट प्राइस वाले पिज़्ज़ा लिए और देखने वाला हूँ कि क्वालिटी किसकी बेटर है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं दोनों का टेस्ट और आपको बताते हैं। स्टार्ट करते हैं, बिना सॉस के मैं खाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ओल्डेस्ट को स्टार्ट करते हैं, एक पीस ले लेते हैं इसका। इसमें और इसमें फ़र्क मुझे ज़्यादा लोग जो लगा, इसमें कुछ चीज़ी बहुत है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ी है पिज़्ज़ा हट का, पर डोमिनोज का इतना चीज़ी नहीं है। पर इसको खा के देखते हैं, ऑनियन वाला है, थोड़ा नमकीन है, चीज़ी तो है ही बहुत ज़्यादा, स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो जो आपको हमको यहाँ से गिवन है फ्लेक्स, और ये इसके संग कुछ चिली फ्लेक्स आते हैं यानी कि मिर्च आप ऐड कर सकते हो, और इटालियन सी सॉनिंग्स तो ये भी आप ऐड कर सकते हो। एक बिना ऐड करके खाते हैं, एक ऐड करके खाएंगे अपन। कमाल है, मज़ा कमाल है। ओवरऑल अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मैंने ज़्यादा खाता नहीं हूँ पर मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अब लेते हैं डोमिनोज का, उसको चेक कर देखते हैं। ये टोमेटो वाला है, हालांकि इसका ऑनियन वाला भी आता है जो कि 72 रुपीज़ का था, अराउंड 70 रुपीज़ का था, लेकिन मैंने बोला था ना कि मैं दोनों के सस्ते सस्ते वाले लूँगा जो कम से कम वाले। चीज़ी ये भी है और इतना चीज़ी नहीं है जितना ही है, और नमकीन थोड़ा जो है कम है, ये नमकीन ज़्यादा था। टमाटर है तो टमाटर का स्वाद थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। अब अपन चिलीज और ये ऐड कर देते हैं इसमें, इटालियन सी सॉनिंग। मैं ऐड कर रहा हूँ पिज़्ज़ा का हट का पिज़्ज़ा विद सी सॉनिंग एंड चिलीज। अब थोड़ा सा स्पाइसी हो गया और इस कंडीशन में थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है, हालांकि ये एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो नहीं कर सकते, पर इसमें ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब इसके ऐड करते हैं ये चिली फ्लेक्स डोमिनोज की, ये ऑरिगानो सीसॉन, ऑरिगानो सीसॉन। अब ऑरिगानो सीसॉन मीन्स ऑरिगानो की प्लेस है क्या है पता नहीं, और दोनों में चीज़ तो सेम ही डाल रहे हैं पर बिल्ड कहाँ हो ये डिपेंड है। तो सी सॉन्ग का मतलब मुझे सौंप लग रही है, ये सौंप का स्वाद आ रहा है। तो इसमें जो सौंप का स्वाद है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लियर है, इसमें क्लियर नहीं था। तो अगर बात करूँ मसालों के साथ तो पिज़्ज़ा हट बेस्ट। तो गाइस ओवरऑल बात करता हूँ, अगर दोनों को बिना मसालों के बात करें तो पिज़्ज़ा हट मुझे ज़्यादा चीज़ी लगा, नमकीन लगा, ये कम थोड़ा चीज़ी, कंपेरिजन टू दिस कम चीज़ी था और नमकीन भी कम था। मसालों के साथ बात करें तो इसमें जो सी सॉन्ग है, सी सॉनिंग है इटालियन, वो काफ़ी बेटर था, उसका स्वाद थोड़ा अलग था, और इसमें जो मैंने सी सॉन्ग उसका स्वाद बिल्कुल क्लियर आ रहा था, इंडियन जैसा लग रहा था बिल्कुल। तो गाइस दोनों की क्वालिटी अच्छी है, पर ये थोड़ा सा महंगा होने के कारण इसमें जो महंगा है जो प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, 20 रुपीज़ जो मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं, 62 ये 82, तो उस 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो देने का इफेक्ट है वो इसमें दिखता है।
यानी कि अभी मैं बोलूँगा कि पिज्ज़ा हट का पिज्ज़ा इज़ बेस्ट। मैं इसका ओनियन भी खा के देख रखा है, तो ओनियन से ये बेस्ट है क्योंकि इसमें चीज़ी ज़्यादा है, पहले बता चुका। तो गाइस ये था मेरा इन दोनों का कंपेरिजन, मेरी तरफ से पिज़्ज़ा हट को ज़्यादा है। डोमिनोज बेकार नहीं है, अच्छा था, इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कहीं मार खा गया। तो गाइस मेरा वोट पिज़्ज़ा हट को, ओल्ड इज गोल्ड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स करके ज़रूर बताना कैसे लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बताना आपको क्या पसंद है, क्या आप देखना चाहते हो। तो तब तक सी यू लेटर गाइस, राम राम से सभी को, नमस्ते।